हेलो स्टूडेंट्स फॉर क्लास सेवन बायोलॉजी फर्स्ट लेसन वी शैल सी टुडे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। एज यू नो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू गेट एनर्जी और टू सर्वाइव एंड इन फूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स they need like carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals. So nutrition means taking in food and to use it for various life processes. Nutrition the process of taking in food and utilize it for various life processes is called nutrition. There are two modes of nutrition, autotrophic mode and heterotrophic mode. Autotrophic mode means the organism which prepare their food by themselves. मीन्स पहले आप लोग देखा होगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने से फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। कुछ प्लांट के द्वारा बनाए हुए फूड पर डिपेंड करते हैं और दूसरा उन एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं जो उस फूड को लेता है। तो ऑटोट्रॉफ किसको कहते हैं? ऑटोट्रॉफ मीन्स देखिए दो वर्ड है ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स जो खुद से काम करे सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स जो उसका न्यूट्रिएंट लेने वाला है। तो ऑटोट्रॉफ मीन्स द ऑर्गेनिज्म who prepare their food by themselves are autotrophs। और इसका जो मोड होगा न्यूट्रिशन का ये मोड कहलाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट इसी कैटेगरी में आता है। और हेटरोट्रॉफ मीन्स जो अपने से अपना फूड नहीं बना पाता है फिर ये दूसरे पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। जैसे कि हम लोग दूसरे पर डिपेंड हैं, या तो हम लोग प्लांट प्रोडक्ट लेते हैं या फिर एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो हम दूसरे पर डिपेंड हैं अपने फूड के लिए, तो हम उसको कहा जाएगा हेटरोट्रॉप्स। Means the organisms who depend on other organisms for their food are heterotrophs. तो प्लांट को छोड़ करके बाकी जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं वो सारे हेटरोट्रॉप्स हैं।
प्लांट ही एक ऐसा है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है, और प्लांट के इस फूड प्रिपरेशन मेथड को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। आप लोग क्लास सिक्स में भी पढ़े होंगे कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए जो जरूरी रॉ मटेरियल है, इसके लिए क्या सब चीज चाहिए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। वाटर रूट से अब्जॉर्ब करता है सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, जो लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे, उसका नाम क्या होता है? एस्टोमाटा। उस एस्टोमाटा से गैस का एक्सचेंज होता है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड वे लोग लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन कुछ रिलीज होता है वो एस्टोमाटा से ही बाहर निकलता है। सनलाइट, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस केवल सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और क्लोरोफिल प्लांट का के अंदर मौजूद ग्रीन पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब कलर, तो वो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट आता है क्लोरोफिल, ये आपको लिप्स में होता है और भी दूसरे जगह हो सकता है, वैसा पार्ट जो ग्रीन है प्लांट का उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहाँ सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये बनता है फोटोसिंथेसिस में। वो ग्लूकोज एनर्जी के तौर पर प्लांट यूज करता है और उसके अपने फूड से जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसको वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट में स्टोर करता है, कभी कभी फ्रूट्स में स्टोर करता है जो हम लोग के लिए यूजफुल हो जाता है। तो इस तरह से प्लांट ही एकमात्र है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है और उस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस है। अब आप फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन देख लीजिए। CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड हुआ प्लस वाटर, यहाँ सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, क्लोरोफिल इसको चाहिए और बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन। 6 यहाँ दे दीजिए और 6 यहाँ दे दीजिए, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन और इधर 12, 6O2, 6O2, C6H12O6, ठीक। तो ये बैलेंस कर दिया, मतलब कि 6 मोलेक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद 6 मोलेक्यूल ऑफ वाटर, ये ग्लूकोज का एक मोलेक्यूल बनता है और 6 मोलेक्यूल ऑक्सीजन का आता है। ये ग्लूकोज है ना ये ग्लूकोज उसको एनर्जी के लिए काम आ जाता है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए काम आ जाता है, और जो उसको ज्यादा होता है, ये दोनों ज्यादा चीज अगर बना तो वो प्लांट स्टोर करता है ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। बाकी दूसरे जितने लिविंग बींग हैं वो सभी किसी न किसी तरह से प्लांट पर डिपेंड है,
या फिर जो अदर एनिमल है जो कि प्लांट पर डिपेंड है, यानी बड़ा एनिमल छोटा एनिमल को खाता है या और जो भी है, तो उस पर डिपेंड करता है और वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे देखें।